मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों को, जिन्होंने परीक्षा दी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उन सभी को ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार है और उसी के बारे में एक बार फिर से आज खबर आई है। और इसको हमने पहले ही बता दिया था कि भाई सितंबर के लास्ट हफ्ते में आपको क्या देखने को मिल सकती है, ऑफिशियल कट ऑफ, और उसी पर मोहर लगा रहा है आज ये अखबार। और ये अमर उजाला अखबार है, क्या लिखा है, अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू और जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। खबर देखें तो सितंबर आखिर में सहायक दक्षता परीक्षा की जारी हो सकती है सूचना। यहाँ पर पढ़ें पूरी खबर को तो सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बीते माह आयोजित लिखित परीक्षा के आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश भर्ती एवं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को आपत्तियां भेजी हैं। बोर्ड ने आपत्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को आपत्तियां दाखिल करने का अंतिम दिन है, मतलब आप जो आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं वो कल लास्ट डे है। इसके बाद बोर्ड इनका समाधान करते हुए कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। सूत्रों की माने तो आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के जटिल होने, गणित के अधिक सवाल पूछे जाने और कुछ उत्तरों में विसंगति होने संबंधी आपत्तियों से बोर्ड को अवगत कराया है। 23 अगस्त को आयोजित दूसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र जटिल होने पर अंकों का सामान्यकरण करने की मांग की गई है। वहीं 30 अगस्त की दूसरी पाली की परीक्षा में गणित के कुछ प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। बोर्ड के अधिकारी सभी आपत्तियों का परीक्षण कर रहे हैं ताकि निष्पक्षता और शुचिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। बता दें कि बोर्ड ने परीक्षा को बिना किसी अड़चन करने में सफलता हासिल की है। कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद स्वीकृत पदों के सापेक्ष 3 गुना, जैसे हमने पहले बताया था कि 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे, लगभग 1,80,000 बच्चों को ये बुलाएंगे। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज के परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। सूचना सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी की जा सकती है, तो ये बात हमने पहले ही बताई थी। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर दूसरी खबर है, स्टोर कीपर भर्ती के लिए 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और इसका भी कर दिया गया है भैया क्या यहाँ पर सिलेबस जारी। प्रदेश में सहायक स्टोर कीपर के 199 और सहायक ग्रेड 3 के एक पद पर चल रही भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार परीक्षा 100 नंबर की, परीक्षा में 100 सवाल एक एक नंबर के पूछे जाएंगे और साथ साथ यहाँ पर क्या है भैया, निगेटिव मार्किंग भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पूरा का पूरा खाका है वो तैयार कर लिया गया है स्टोर कीपर के लिए। और बात करें यहाँ पर इसके सिलेबस की, तो आयोग ने परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने बताया कि परीक्षा में सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, हिंदी ज्ञान, लेखन, कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी और उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित सवालों को पूछने की बात कही है। और पूरा विस्तृत जो इसका पाठ्यक्रम है वो आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब दूसरा पाठ्यक्रम किसका जारी किया है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। देखिए भैया, दूसरे पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर 4612 पदों पर जो भर्ती निकली थी 7/5/2024 से 28/6/2024 तक, किसकी भैया ये निकली थी, अवर अभियंता की भर्ती निकली थी, उसका भी पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। और पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम के लिए पूरा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर बिल्कुल ले सकते हैं, एक एक जानकारी को पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पर डाल दिया गया है। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक बने रहे साथ, धन्यवाद।